हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं क्या है नेक्स्ट न्यूमेरिकल। डिजाइन अ पैटर्न फॉर द कास्टिंग सोन बिलो। द कास्टिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय स्टील मटेरियल बाय कंसीडरिंग श्रिंकेज अलाउंस। तो सबसे पहले हमें एक कास्टिंग दिया हुआ है जो कि स्टील मटेरियल का बना हुआ है। हमें उसके पैटर्न को डिजाइन करना है और पैटर्न को डिजाइन करने के बाद हमें फाइंड आउट करना है द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द पैटर्न टू द कास्टिंग। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द पैटर्न का रेशियो कास्टिंग के साथ क्या होता है ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें कास्टिंग मटेरियल दिया हुआ है और उसका डायमेंशन भी दिया हुआ है, तो डायमेंशन बना लेते हैं। सबसे पहले इस प्रकार का डायमेंशन दिया हुआ है, दिस इज 100, दिस इज 200 mm एंड दिस हाइट इज 50 mm, 50 mm है और ये स्टील कास्टिंग है। स्टील कास्टिंग के लिए जो श्रिंकेज वैल्यूज होती हैं वो होता है श्रिंकेज अलाउंस, वो होता है 20 mm पर मीटर, दैट इज 20 mm पर मीटर। अब हमें इस पर्टिकुलर कास्टिंग का पैटर्न तैयार करना है। दैट मीन्स ये हर एक जो डायमेंशन दिया हुआ है इसमें हमें ये श्रिंकेज अलाउंस की जो वैल्यू है इसको कैलकुलेट करके ऐड करना है। तो चलिए देखते हैं। 20 mm पर मीटर का मतलब होता है एक मीटर में 1000 mm होता है। यहां देखते हैं 1000 mm में ये कितना श्रिंक करता है स्टील, 20 mm श्रिंक करता है। तो अगर हम 1 mm के लिए फाइंड आउट करेंगे, अगर हम 1 mm के लिए फाइंड आउट करेंगे तो ये 20/1000 अमाउंट श्रिंक करेगा। तो चलिए एक के लिए हम लोगों ने पता कर लिया, अब हम 100 के लिए पता कर लेते हैं। तो चलिए यहां पे लिखते हैं हम 100 के लिए, 100 × 20/1000 ये आ गया 2 mm। यानी जो हमारा पैटर्न तैयार होगा उसमें ये वाली डायमेंशन 102 mm की रहेगी। 200 mm के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, 200 × 20/1000 ये हमारा 4 mm हो गया। यानी इस डायमेंशन में हम लोग 4 mm ऐड कर देंगे तो ये 204 mm हो गया। अभी हाइट बची 50 mm है, तो 50 mm के लिए भी हम लोग श्रिंकेज अलाउंस कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना ऐड करना पड़ेगा हमें। 50 × 20/1000 एंड दिस 10 विल बी कैंसल्ड आउट बाय दिस 10, सो दिस विल बिकम 1 mm। यानी इस डायमेंशन में हमें 1 mm ऐड करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा हमारा 51 mm। अब हमें फाइनली फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है द वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ पैटर्न टू द वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग। पी स्टैंड्स फॉर पैटर्न, सी स्टैंड्स फॉर कास्टिंग। चलिए देख लेते हैं। पैटर्न की वैल्यूज ये हैं, जो नई वैल्यूज आई हैं ये पैटर्न की वैल्यूज हैं। चलिए लिखते हैं 102 × 204 × 51 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग, जो ओरिजिनल स्टील की कास्टिंग थी उसका वॉल्यूम 100 × 200 × 50, 100 × 200 × 50। आफ्टर द कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग जो वैल्यू प्राप्त करेंगे वो होगी 1.061। ये हो जाएगी हमारी रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ पैटर्न टू द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग। थैंक यू।